गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस उच्चारात्मक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत वंशागति के आणविक आधार इसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं, डीएनए का द्विगुणन। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये द्विगुणन होता क्या है। द्विगुणन नाम के अनुसार द्वि माने दो, गुणन मतलब गुणा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए का बनना। तो मेन जो डीएनए द्विगुणन का मतलब होता है कि डीएनए में एक ही समान अपने समान में दूसरे डीएनए बनाने की क्षमता होती है। तो एक डीएनए से दो डीएनए तो दो गुना होना या दूसरे डीएनए का बनना डीएनए द्विगुणन कहलाता है। सबसे पहले देखिए डीएनए द्विगुणन के प्रकार, तीन प्रकार होते हैं, एक कंजर्वेटिव, दूसरा सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा डिस्पर्सिव। कंजर्वेटिव है ना, कंजर्वेटिव को संरक्षित भी कहेंगे। तो इसमें देखिए जैसे ये डीएनए है तो इस डीएनए से दूसरा डीएनए जो बना है सेम टू सेम बना है, मतलब जैसे यहाँ पर डीएनए है ये भी डीएनए बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। ये हो गया कंजर्वेटिव, मतलब पहला डीएनए के अनुरूप ही दूसरा डीएनए बनता है, तो ये हो गया कंजर्वेटिव। दूसरा जो है ये कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मतलब सेमी माने आधा, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, देखिए यहाँ पर डीएनए के दो स्ट्रैंड जैसे हैं, उसमें से एक स्ट्रैंड जो है वो पुराना ही बनता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है ये नया बनता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये वाला स्ट्रैंड जो है वो पुराना है और दूसरा वाला जो स्ट्रैंड बना है वो नया बना है, मतलब एक आधा पुराना कराता है और आधा नया कराता है, तो ये कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव। तीसरा जो है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव का मतलब होता है बिखरा हुआ। बिखरा हुआ का क्या मतलब होता है, जैसे ये पुराना डीएनए है, पुराने डीएनए में जब नया डीएनए बनता है तो ये दोनों बिखरे हुए रहते हैं, मतलब पहले नया थोड़ा सा फिर पुराना फिर नया फिर पुराना, इस प्रकार ये बिखरे हुए रहते हैं, तो इसको कहा जाता है डिस्पर्सिव, ठीक है। ये तीनों प्रकार डीएनए द्विगुणन के होते हैं और ज्यादातर कोशिकाओं में द्विगुणन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक नया रहेगा और दूसरा पुराना रहेगा। तो आज हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डीएनए के द्विगुणन की विधि पढ़ेंगे। इसमें देखिए चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे फैक्टर्स और एंजाइम्स इसमें काम करते हैं। सबसे पहले देखिए ये डीएनए है, डीएनए में आपको पता है तीन एंड्स और पांच एंड होते हैं, थ्री एंड और फाइव एंड। तो ये द्विगुणन जो होता है, ये डीएनए जो होता है ये कुंडलित रचना है। कुंडलित रचना में सबसे पहले दो एंजाइम्स आकर इसमें जुड़ जाते हैं, एक है टोपो आइसोमरेज, दूसरा है डीएनए गाइडेज। टोपो आइसोमरेज और डीएनए गाइडेज ये दोनों एंजाइम जैसे ही डीएनए से जुड़ता है तो डीएनए जो कुंडलित रचना होती है वो कुंडल उसका खुलना लगता है। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, उसको कुंडली को भी कुंडलन करते हैं, मतलब जो कुंडलित रचना होती है वो धीरे धीरे खुलने लगता है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर कुंडल खुल गया तो कुंडल खुलने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये दो अलग अलग स्ट्रैंड बन गए, यहाँ पर ये कुंडलित रचना है, यहाँ पर ये सीधा बन गया, ठीक है। अब ये जो सीधी रचना हो जाती है, आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन क्षार के बीच यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ खुल जाता है, ये दोनों स्ट्रैंड खुल जाती है, उस समय डीएनए हेलिकेज हेलिकेज एंजाइम जो है वह आकर इसमें जुड़ता है और ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन बंध है उसको काटता है, ठीक है। डीएनए हेलिकेज जो है वो हाइड्रोजन बंध को काटने का काम करता है, मतलब यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंध यहाँ से टूट गया। जैसे हाइड्रोजन बंध टूट जाता है तो ये क्या होगा, दोनों सिरे अलग हो जाएंगे, दोनों सिरे फैल जाएंगे, तो ये एक द्विभुज का आकार ले लेता है, इसको कहते हैं द्विभुज फोर, ठीक है। ये दोनों जो है यहाँ पर देखो द्विभुज मतलब एक वाय आकार की रचना बन गई, इसको कहते हैं द्विभुज फोर। यहाँ तक समझ में आया, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये दोनों भाग अलग हो गए, ठीक है, दोनों भाग अलग होने के बाद उनमें फिर से जुड़ने की क्षमता हो सकती है, तो उनको फिर से जोड़ने से रोकने के लिए एस एस बी प्रोटीन, यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर ये सब एस एस बी प्रोटीन आकर जुड़ जाता है। एस एस बी मतलब सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन। तो ये दोनों तरफ आकर जुड़ जाते हैं,
यह असेंबली प्रोटीन क्या काम करता है, ये दोनों स्ट्रैंड को आपस में फिर से जोड़ने से रोकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कुंडल खुल गया, यहाँ पर दोनों शिरा हो गया, एक शिरा 3 एंड का हुआ और दूसरा जो है भी 5 एंड का हुआ। अब 3 एंड वाला जो कोशिका होता है ठीक इसी समय आरएनए प्राइमरेज एंजाइम की सहायता से आरएनए प्राइमर, ये एक आरएनए प्राइमर एक खंड होता है आरएनए का, ये आरएनए प्राइमर जो है यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये आरएनए प्राइमर जो होता है यहाँ से वो फिर से नाइट्रोजनस क्षार बनाना शुरू कर देता है और इस समय डीएनए पॉलीमरेज थ्री ये मुख्य एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, यहाँ जो आरएनए प्राइमर जो नाइट्रोजनस क्षार बनाता है इस श्रृंखला को वो आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आरएनए प्राइमर जो है आरएनए प्राइमरेज एंजाइम के द्वारा आरएनए प्राइमर आपके यहाँ जुड़ जाता है और ये आरएनए प्राइमर जो है यहाँ पर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाता है, मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड यहाँ बन गया। ये स्ट्रैंड जो होता है वो बिल्कुल सतत होता है। ठीक है, इसको सतत स्ट्रैंड या अग्रज स्ट्रैंड कहा जाता है, अग्र श्रृंखला या सतत श्रृंखला कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा कंटिन्यूस में बन रहा है और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नीचे वाले भाग में, मतलब 5 एंड वाले में। यहाँ पर ये 3 एंड वाला भाग है तो 3 एंड वाला भाग के साथ यहाँ पर 5 एंड वाला भाग बनेगा और यहाँ पर नीचे वाला जो भाग है जो 5 एंड वाला है उसके साथ 3 एंड वाला भाग बनेगा। तो यहाँ पर ये जो बनता है यहाँ पर सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज वन ये जो है यहाँ से श्रृंखला बनना शुरू करता है, परंतु यहाँ की श्रृंखला जो है ये पूरा कंटिन्यूस में नहीं होता है, ये छोटे छोटे खंडों में होता है। जैसे एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, ये एक खंड हो गया, तो ये छोटे छोटे खंडों में बना हुआ होता है। इन खंडों को कहते हैं ओकाजाकी खंड। यहाँ पर जो 5 एंड वाला भाग होता है जहाँ पर 3 एंड वाला भाग की श्रृंखला बनती है, ये श्रृंखला जो है कंटिन्यूएशन में नहीं होती है, मतलब सतत नहीं होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बना हुआ होता है, इसको कहते हैं ओकाजाकी खंड। अब यहाँ पर जो तीसरी श्रृंखला है ये नीचे वाली जो पश्च ये श्रृंखला कहलाती है पश्चगामी श्रृंखला, ऊपर वाला अग्र श्रृंखला, नीचे वाला पश्चगामी श्रृंखला और इसी पश्चगामी श्रृंखला में ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं। अब ये ओकाजाकी खंड को डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है ये ओकाजाकी खंड को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है इस श्रृंखला को बनाता है और डीएनए लाइगेज जो है इस श्रृंखला में जो ओकाजाकी खंड होते हैं, छोटे छोटे जो खंड होते हैं, उन खंडों को वो जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डीएनए वहां से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर ये 2 डीएनए बन गया, एक ये डीएनए बना, एक दूसरा डीएनए यहाँ पर बना, फिर इसमें कुंडलन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 डीएनए बना, तो 2 डीएनए में आप लोग देखेंगे कि एक डीएनए जो है ये पहले वाला खंड का है, मतलब ये पुराने वाले खंड का है यहाँ पर, ये पहला वाला, और दूसरा वाला डीएनए जो है यहाँ पर जो दूसरा स्ट्रैंड बना है ये नया बना है, ये पुराना था और यहाँ पर ये नया बना है। यहाँ भी देखिए ये पुराना था, ये एक नया बन गया, मतलब जब एक पुराना और एक नया बनता है तो कौन सी विधि हो गई, वो सेमी कंजर्वेटिव विधि। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेमी कंजर्वेटिव विधि में 2 डीएनए बन गए, इसमें दोनों में एक पुराना और एक स्ट्रैंड होता है। ठीक है, अब हम देखिए ये आपको फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अब इसको लिखना कैसे, ठीक है, लिखने में डिफरेंट पॉइंट बना के लिखेंगे। सबसे पहले डीएनए का वी कुंडलन में क्या होगा, डीएनए गायरेज और डीएनए टोपोआइसोमेरेज ये दोनों जुड़ते हैं, कुंडल खुल जाता है, उसके बाद बॉन्डिंग का टूटना, डीएनए हेलिकेज के द्वारा हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, 2 अलग अलग श्रृंखला बन गया, यहाँ पर द्विभुज का निर्माण हुआ। ठीक है, द्विभुज फोर्क का निर्माण हुआ, ऊपर वाली श्रृंखला जो 3-5 वाला होता है वहां पर डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा ये नई श्रृंखला बनती है, इसके पहले आरएनए प्राइमरेज एंजाइम के द्वारा आरएनए प्राइमर आकर इसमें जुड़ जाता है और ये आरएनए प्राइमर जो है नया श्रृंखला बनाना शुरू करता है।
नीचे वाला भाग जो है जिसमें कि छोटे छोटे खंड होते हैं जिसको कि ओकाजाकी खंड कहते हैं, और ये ओकाजाकी खंड जो है पश्चगामी श्रृंखला में बनता है, और ऊपर वाला श्रृंखला जो है कंटिन्यूस में होता है जिसको अग्रज श्रृंखला कहते हैं। अब इस टॉपिक से दो श्रृंखला बन गया, सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है, और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। एक तो पूरी विधि आएगी कि द्विविकिरण किसे कहते हैं, द्विविकिरण की क्रिया विधि समझाइए। दूसरा खंड यह आ सकता है कि अग्रज श्रृंखला किसे कहते हैं या सदर श्रृंखला किसे कहते हैं, पश्चगामी श्रृंखला किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है कि ओकाजाकी खंड क्या है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज हुए हैं और इनके कार्य क्या है, ठीक है। ये प्रश्न जो है छोटे छोटे आ सकते हैं, आप लोग इसको चित्र के माध्यम से और पॉइंट बनाकर आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस विषय में तो आप लोग हमारा फोन नंबर नोट कर सकते हैं, 999-1-1-3-4-3, 999-1-1-3-4-3। इस नंबर पर हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट्स होगा या किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। इसलिए लिखने का तरीका आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अच्छे से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।